स्टूडेंट मैं सेल मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस आपका। प्यारे बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज अल्किल, AlkyL अल्किल, और इसको अल्काइल भी पढ़ा जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। लेकिन लिखना ऐसे ही जो मैं लिखा, AlkyL अल्किल। अल्किल बोलेंगे इसको आप, देखिए क्या यहाँ पर मैंने CH4 यूज किया और इसका एक H बाहर निकाल लिया, ये था मीथेन और मीथेन से हो गया CH3 और ये बॉन्ड है ना। मीन्स इसका मीनिंग ये हो रहा कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करने पर जो कंपाउंड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज अल्किल, है ना। द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन है ना कॉल्ड एज अल्किल, ठीक है। तो मीथेन से यहां पर हो जाएगा मीथिल, जिसको मिथाइल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर वन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था, तो ये अल्किल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किल क्या हो जाएगा, CnH2n+1, अल्किल था CnH2n+2 और अल्किल हो जाएगा CnH2n+1। तो मीथेन से हो गया यहां पर मीथिल, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल लिखे हमने इथेन C2H6, तो इससे हो जाएगा C2H5, एक H रिमूव किए थे हमने, ये था इथेन, इथेन से हो जाएगा इथिल, बराबर है ना। थर्ड है प्रोपेन C3H8, तो C3H7 प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपिल, PRO है ना, PYL प्रोपिल। जैसा अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम जब मैंने रिमूव किया था उस वक्त उसको बोले थे हमने अल्किल, ऐसे था ना। और अल्किल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, अल्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय है ना, अल्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, बहुत काम की चीज है याद रखना। तो प्रोपेन से प्रोपिल हो गया, ब्यूटेन से ब्यूटिल हो जाएगा है ना, पेंटेन से पेंटिल हो जाएगा, हेक्सेन से हेक्सिल है ना, शब्द में हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल और डीकेन से डीकिल, ठीक है। तीन चार एग्जांपल लेके बताया था मैं आपको है ना, C4H10, तो C4H9, ठीक है ना। ये था ब्यूटेन, ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटिल, पेंटेन C5H12, तो C5H11, ये था पेंटेन, तो पेंटेन से हो जाएगा पेंटिल, हेक्सेन क्या है फॉर्मूला C6H14 और C6H13, तो ये था हेक्सेन और हेक्सेन से हो जाएगा हेक्सिल। बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल और डीकेन से डीकिल, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आएगा कैसे किया हमने कि अल्के में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करने पर जो कंपाउंड तैयार होगा उसे हम अल्किल कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अल्किल, ठीक है ना। ये पॉज करके आप नोट कर लीजिए, आगे का टॉपिक समझाना ध्यान से देखना, नोट किए हाँ। इसके नाम कैसे बनेंगे आगे फंक्शनल ग्रुप में आपको बहुत काम में आएगा, नॉमिनेशन पे काम में आएगा। देखिए जैसा यहां हम लिखे थे CH4, इससे बना था CH3, मीथिल इसको हम ME लिखते जनरली, सेक
इलेक्ट्रॉन CH3 बॉन्ड CH3, तो CH3 बॉन्ड CH2 और इससे बॉन्डेड दैट इज कॉल्ड एज ईथिल ईटी। थर्ड वाला ध्यान से देखिए CH3 बॉन्ड, ठीक है ना, उसके बाद में CH2 बॉन्ड CH3, ये था प्रोपेन। प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपिल। तो प्रोपिल कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट रिमूव कर देता यहाँ से पेज, है ना, प्रोपिल PROPYL प्रोपिल। तो अगर जो ऐसा रहा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, C3H7 है ना, CH2+1, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, है ना, अगर ऐसा रहा तो इसको लेंगे एन प्रोपिल, और ऐसा रहा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ का एच रिमूव करेंगे, है ना, ये बॉन्ड एंट्री है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे इसको, हम आइसोप्रोपिल, और ये था एन प्रोपिल, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखिए C4H9, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटिल, क्या रहेगा, ब्यूटिल, ठीक है ना, C4H9, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप ब्यूटिल कैसे लिखेंगे, हम CH3 CH2 CH2 CH2, ये रहेगा एन ब्यूटिल, नो ब्रांच है, स्ट्रेट चेन है। एक और दो कार्बन में सिंपल लिख लेते हैं, याद होगा आपको, इसमें एन प्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल, ये एन ब्यूटिल एज इट इज, एन ब्यूटिल। ब्यूटिल को BUP लिख दिया गया, और इसको PR प्रोपिल को जैसा ETNP लिखिए, है ना। अगर से मैं यहाँ का H रिमूव किया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, तो यहाँ इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल, क्या रहेगा, सेकेंडरी ब्यूटिल। देखिए इसका नाम कैसे बनते हैं बता दो मैं आपको, ठीक है। अगर से मैं इसको ऐसा लिखा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2, इससे बॉन्ड चार कार्बन, नौ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन, 9 3 6 3 9, है ना। तो ये रहेगा आइसो ब्यूटिल, लिखा समझ में आना, एन सेकेंडरी आइसो। अगर हम ऐसे लिखे CH3 बॉन्ड सी बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल, क्या रहेगा, टर्शियरी ब्यूटिल, डिफरेंस बना है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर CL लगा दे तो मिथिल क्लोराइड, OH लगा दे तो मिथिल अल्कोहल, बराबर है ना। यहाँ पर BR लगा दे तो इथिल ब्रोमाइड, OH लगा दे तो इथिल अल्कोहल, यहाँ पर अगर मैंने BR लगा दे तो N प्रोपिल ब्रोमाइड, और OH लगा दे तो N प्रोपिल अल्कोहल, है ना, फंक्शन पर डिपेंड है। अगर यहाँ पर मैंने BR यूज किया तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, OH यूज किया तो आइसो प्रोपिल अल्कोहल, ये धीरे धीरे आपको आगे समझ आए। ऐसा ही सेम है कि यहाँ मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड एंट्री है ना, यहाँ मैंने बी आर लगा दिया तो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ का लगा दिया सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, बी आर लगाया तो यहाँ बी आर लगा दिया तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और यहाँ बी आर लगा दिया टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। डिफरेंस समझा आपका, नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे इसका, और अल्किल कितना इसमें हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, ऐसे पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल ऑक्टिल नोनिल डिकेल रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन, कितने कार्बन थे मान लीजिए मैंने यहाँ पर चार कार्बन यूज किया, तो डायरेक्ट नौ हाइड्रोजन पे से 4 2 8 + 1 9, चार कार्बन के साथ में 9 हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए छोटा सा टेबल समझ देना आपको, अल्केन अल्कीन अल्काइन, उसको शॉर्ट टर्म्स में कैसे याद करना है, ठीक है, क्लियर कैसे हो जाएगा हमारा। देखिए अल्केन इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे, फिर अल्कीन पढ़े थे सर, और फिर अल्काइन, एक टेबल में इस बताने को कैसा लर्न करना है। देखिए अल्केन क्या था सर, ये था एलिफेटिक, और उसी के साथ साथ क्या था, सैचुरेटेड था,
आगे हाइड्रोकार्बन, विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखिए फिर हम आपको द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अल्केन, अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, ये बोले थे। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2+2, ठीक है। अल्कीन ये था एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड चाहिए, कॉल्ड एज अल्कीन। अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन। द जनरल फॉर्म ऑफ अल्कीन इज CnH2। अल्काइन ये था एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड एज अल्काइन। अल्काइन इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। द जनरल फॉर्म ऑफ अल्काइन इज CnH2-2। एक छोटा सा टॉपिक दैट इज अल्कील। अब अल्कील क्या बताया था मैंने आपको, क्या अल्केन में से एक हेडल एटम रिमूव करने पर जो कंपाउंड तैयार होगा उसको बोलते हैं अल्कीन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल आर, जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2+1, ठीक है, समझ में आया आपको। यह था अल्कीन, है ना, अल्केन अल्कीन अल्केन। देखिए शॉर्ट टेबल में इसलिए बताया आपको कि अगर आप इससे पहले लेक्चर अगर नहीं देखी होगी मेरे, तो आपको यहाँ पर से इस टॉपिक पर से समझ में आ जाएगा, ठीक है।